शांति शांति शांति। ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ परतीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमंगल सिद्धये चित्रावती तट विशाल सुशांत सौधे तिष्ठन्ति सेवक जनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजन विधिं भवदंघ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् संदर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम्
व्याप्तां दिगंतर विशाल धरातलेस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती सम विशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वंगनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परंधाम ज्ञान विज्ञान शोभिताः। मंगलं गुरुदेवाय मंगलं ज्ञानदायिने मंगलं प्रतिवासाय मंगलं सत्यसाईने। ॐ शांति शांति शांतिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं, चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूं, अर्थात मैं ईश्वर हूं। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और तीन बार ओमकार का उच्चारण करें। ओ
आंखें खोलें और ज्योति को देखें। आंख बंद करें और ज्योति को दोनों भावों के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भावों के बीच में स्थापित करती हूं। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहां हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे, ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब
मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया। ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है, जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्र दल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्र दल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं, उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी मां को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी मां, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है। Thank you.
ज्योति अब धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, विद्योर्मा अमृतम् गमया। ओम शांति शांति शांति। जय साई राम। श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसंग परित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वांतर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडियादिपल्लिसोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाजऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपांतरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तंभसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः।
ॐ श्री साई रत्नाकर वंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेद शक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शंकराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामाई वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तट पुट्टपर्ति विहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागत त्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनंदाय नमः। ॐ श्री साई आनंददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबांधवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनंतनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बांधवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमंदाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुंदररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः।
ॐ श्री साई सर्वाभीष्ट प्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याण गुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधु मानस शोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमत सम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रह वट वृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकल संशय हराय नमः। ॐ श्री साई सकल तत्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आतिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन कमल रूपी चरणों में मेरा कोटिशः नमन एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त साई भक्तों को मेरा सप्रेम साई राम। आज हम भगवान बाबा के श्री चरणों में साधना आराधना महापर्व 2022 का पुष्प अर्पित करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय स्तर से प्राप्त साधना आराधना पर्व के तृतीय दिवस का आज के दिव्य संदेश का विषय है स्पष्ट सोच एवं तीव्र इच्छा शक्ति। यह संदेश आप सभी के सामने प्रस्तुत है। एक बार जब क्यों और किस कारण स्पष्ट हो जाता है तो एक दृढ़ संकल्प स्थापित हो सकता है। अतीत में झांकना आसान हो जाता है, धुंध छटती है, एक तस्वीर उभरती है, एक यात्रा शुरू होती है। तीव्र लगन ही हमारे पक्ष में निर्णायक सिद्ध होती है। खुद के प्रति ईमानदार रहो। अब स्वयं को आईना दिखाने का समय है और जो वह दिखाता है उसे स्वीकार करने का समय है। फिर एक दोस्त के रूप में दृढ़ संकल्प के साथ स्वयं को सुधारें। देखें कि किन सुधारों की आवश्यकता है। पक्षियों की तरह हमें भी सहज रूप से दृढ़ता से विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। यह पेड़ है, यहीं पर हम आराम करेंगे और अपना घोंसला बनाएंगे। अगर हमें अपनी मंजिल का ही पता नहीं होगा तो यात्रा के लिए रास्ता कैसे चुनेंगे। इसी तरह हम यात्रा का आनंद केवल तभी ले सकते हैं जब हम इसे स्वेच्छा से चुनें। किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए सोच और तीव्र लगन साथ साथ चलते हैं। हमारी जल्द सोचने की प्रवृत्ति हमारी गति तय करती है। जोश और उत्साह के साथ क्या हम अपनी सोच को स्पष्ट करने और अपनी सोच पर तेजी से काम करने पर ध्यान देंगे? अगर हम जीवन में स्वयं के बारे में देर से सोचना शुरू करते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोणों, लक्ष्यों और उद्देश्यों के पुनर्निर्माण को रोकते हैं, देरी करते हैं, तो हम उम्र की अनिश्चितताओं और मोह जाल में फंसते जाते हैं जो हर प्रकार की प्रगति में बाधा डालते हैं। इसलिए हमारे प्यारे भगवान एवं गुरुदेव ने कहा है, जल्दी शुरू करो, धीरे चलो और सुरक्षित पहुँचो। आइए आह्वान करें, जागृत करें, आत्म विलय और आत्म उत्थान करें। हम सभी दिव्य बने, सभी प्राणियों में दिव्यता को देखें और उनकी सेवा करें। जय साईं राम।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशि वदना श्रीतरा सर्वा प्राणपति स्वामी सर्वा प्राणपति आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपतांधवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरु दैवम मरियंतयुनीवे स्वामी मरियंतयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्रशयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा।